मेरा अपने तुम्हें शेख से मोहब्बत, अब ये शेख की ज़ात से है या उसकी सिफात से है? मैं देखिए, शेख की ज़ात तो क्या हैसियत रखती है? ज़ात तो वही होती है, मोमिन हो या काफिर हो, उसकी सिफत ही बदलती है। जैसे जैद है, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो पैदा हुआ किसी के घर पे, अब उसका नाम रख दिया गया जैद तो वो जैद हो गया, उसका नाम रख देते बकर तो वो बकर हो जाता, उसका नाम रख देते अगर ज़ुबैर तो वो ज़ुबैर हो जाता, अगर उसका नाम रख देते उमैर तो वो उमैर कहलाता। वो तो वही है ना, एक ही है। ज़ात का मकसद नहीं होता, ज़ात से पीर, पीर की ज़ात से मुरीद को क्या लेना देना। हाँ, जो उसके अंदर हैं, जो उसकी सिफात हैं, जो उसके मामलात हैं, जो उसमें अनवार हैं ज़िक्र के, रूहानियत है उसकी, उससे काम है हमें। तो शेख की रूहानियत से काम है ना हमें, जिस्मानियत से तो वो आम आदमियों की तरह है। जैसे भाई आम तौर पे इंसान की बेगम उसकी मुरीद नहीं होती, नहीं होती ना। दूसरे लोग अच्छा, हाँ उसकी औलाद भी उससे ज़्यादा फैज़ नहीं पाती है ना, वो उसको बाप की नज़र से देखते हैं, तो उनको वही हासिल होगा जो बेटे को बाप से मिलता है, चाहे मोमिन हो या काफिर हो। विरासत मिल जाएगी, दुनियावी फवायद मिल जाएंगे, जो भी बाप है अपने बेटे को दे सकता है वो दे देगा उसको। बाहर से एक शख्स आता है, वो उसको अपना मुर्शिद मानता है, रूहानी पेशवा समझता है अपन, तो उसकी नीयत क्या है? रूहानियत हासिल करने की। इन्नमा लामालू बिन्नियात, आने वाले को पीर की जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका जिस्मानी मामला है, उसके लिए नसब ज़रूरी है, रूहानियत के लिए मोहब्बत ज़रूरी है, नीयत ज़रूरी है, कि जिस नीयत से वो देखेगा उसको मिलेगा। ये बात है कि जैसे जिस तवज्जो से, जिस रूहानियत से मुरीद अपने शेख को देखेगा, उसी रूहानियत का उस पर ज़हूर होगा, चाहे उसके अंदर कुछ अपना है कि नहीं है। अगर वो पीर कामिल है, अब वो इस काबिल नहीं भी है जिसका तकाजा मुरीद कर रहा है, तो उसके बड़े उसको दे देंगे, ऊपर से आ जाएगा, कोई मसला नहीं। अब हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के जो शेख हैं, क्या उनका मकाम हुजूर गौस पाक से ऊंचा है? लोग तो मना करते हैं कि नहीं, गौस पाक का मकाम ऊंचा है, तो उनको ये ऊंचा मकाम किसने दिया? पीर तो नहीं दे सकता, जिसके पास खुद मकाम नहीं है वो वाला, तो वो अपने मुरीद को कैसे देगा? वो इसका मतलब है कि ये ऊपर से आया है सिलसिले के, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता हुआ है मकाम। ऐसे ही होता है, बस हमारा कल भी ताल्लुक़ होना चाहिए शेख के साथ अपने।